नौकरी का आखिरी दिन किसी भी इंसान के लिए काफी इमोशनल होता है। उस दिन दफ्तर में बिताया एक एक लम्हा इंसान को पूरी जिंदगी याद रह जाता है। और कुछ लोग तो सादगी की ऐसी मिसाल पेश कर जाते हैं जिसे दुनिया भी सलाम करती है। केरल के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अफसरों में शुमार रहे जैकब थॉमस ने अपनी नौकरी के आखिरी दिन कुछ ऐसा ही किया। दफ्तर में लास्ट डे था तो उन्होंने तय किया कि आज वो दफ्तर की फर्श पर ही सोएंगे। 1985 बैच के आईपीएस अफसर थॉमस की दफ्तर में फर्श पर सोने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये तस्वीर किसी और ने नहीं, खुद उन्होंने ही सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा था, सिविल सेवा, शोरानूर मेटल इंडस्ट्रीज कार्यालय में अंतिम दिन की शुरुआत और नींद। जैकब थॉमस की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई। 10,000 से ज्यादा लोग इसे शेयर कर चुके हैं, लाइक्स और कमेंट्स भी हजारों में हैं। लोग उन्हें सैल्यूट करते हुए शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी अगली पारी का इंतजार रहेगा। कई लोग इस बात पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि विभिन्न सरकारों ने पूरे करियर में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अरुण प्रेम नाम के एक यूजर ने लिखा, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में समाज की सेवा करने के लिए जरूरी हिम्मत और स्वास्थ्य आपको जरूर मिले। अभी तक पूरी सत्यनिष्ठा और जिम्मेदारी के साथ आपने जो भी किया उसके लिए धन्यवाद सर। वहीं धनेश जी नायर नाम के एक यूजर ने लिखा, सर आपको मेरा सलाम। जिस तरह से आपके साथ बर्ताव किया गया उसे देखना बहुत दुखद और दर्द भरा है। आपकी दूसरी पारी का इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट। आपको बता दें कि 35 साल लंबे करियर में थॉमस ज्यादातर समय साइडलाइन ही रहे। करियर के शुरुआती दिनों में ही वो महज 4-5 साल खाकी वर्दी पहन सके। इसके बाद ज्यादातर वक्त वो विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में डेप्यूटेशन पर रहे। उनका रिटायरमेंट भी मेटल इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ही हुआ, जो केरल सरकार की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। थॉमस शुरुआत के दिनों से ही विवादों और चर्चाओं में रहे और इसके लिए जिम्मेदार थी उनकी रिबेल कॉप वाली छवि। थॉमस के बारे में कहा जाता है कि कुछ नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद खुद उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिनकी जांच अब भी जारी है। माना जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद अब वो राजनीति में भी कदम रख सकते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।